हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मुक्ति की दुनिया और मैं हूँ आपकी मुक्ति। आज मैंने बना ली है चोटी। वैसे तो मैं हमेशा सोते टाइम ही बालों को बांधती हूँ, बट आज मैंने पहले ही बांध ली है और डिनर वगैरह हो गया है और किचन का ये हाल है। तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ नाइट टाइम किचन क्लीनिंग रूटीन और अपने किचन क्लीनिंग को ईजी बनाने के लिए जिस चीज़ का मैं इस्तेमाल करती हूँ वो है मेरा DIY किचन क्लीनर, और उसको कैसे बनाते हैं और उसकी हेल्प से किस तरह से अपने किचन को आप एकदम फ्रेश, खुशबूदार और क्लीन रख सकते हैं वो मैं शेयर करूंगी आपके साथ। ये देखिए, ये है मेरा DIY किचन क्लीनर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो प्लेटफॉर्म खाली करेंगे, तो जितना भी धोने वाले आइटम हैं, बर्तन हैं, खाना खाली करने के बाद के जो बर्तन होते हैं, तो जितना भी आइटम आपका वॉश करने वाला है वो सब हम सिंक में रखेंगे और उनको धोना स्टार्ट करते हैं। अभी चलिए बर्तन क्लीन हो गए हैं, पहले सिंक को खाली करना ज़रूरी था और अभी हम बनाते हैं DIY क्लीनर। तो उसके लिए मैंने लिया है 1 गिलास पानी। अगर आप कम बनाना चाहते हैं पहले तो आप कम बना सकते हैं, मैंने 1 गिलास पानी लिया है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे वाइट विनेगर मोस्टली घर में ईजिली अवेलेबल होता ही है, और लगभग आधा गिलास विनेगर जो है हम इसमें ऐड करने वाले हैं। तो या तो आपको और थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड बनाना है तो आप आधा ग्लास पानी आधा ग्लास विनेगर ले सकते हैं। मैंने 1 गिलास पानी में आधा ग्लास विनेगर डाला है। तो डिपेंड करता है कि आपको कितना कॉन्सेंट्रेटेड और हार्ड चाहिए क्लीनर। और मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ लगभग 1 चम्मच खाने वाले सोडा, या बेकिंग सोडा भी बोलते हैं जिसको। तो जो विनेगर और सोडे का रिएक्शन होता है ना दोस्तों, वो इतना इफ़ेक्टिव होता है और वो बहुत अच्छे क्लीनिंग एजेंट की तरह वर्क करता है। और मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 कम्फर्ट फैब्रिक क्लीनर का पाउच, और ये मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ, इसकी जो खुशबू होती है ना दोस्तों, अगर आपने ट्राई किया है तो आपको पता होगा इतनी अच्छी महक होती है। इसके साथ मैंने आपके साथ रूम फ्रेशनर का भी वीडियो शेयर किया था। और इसमें ऐड करने वाले हैं हम कोई भी लिक्विड सोप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक लोकल ब्रांड का लिक्विड सोप यूज़ किया है, या डिशवॉशर भी बोल सकते हैं आप जिसको, लिक्विड सोप डिशवॉशर उसका इस्तेमाल कर रही हूँ मैं, क्योंकि कुछ तो मुझे हमें सोप या डिटर्जेंट वाला एजेंट चाहिए क्लीनिंग के लिए। और बस इसको मिक्स कर लीजिए और रेडी हो गया है हमारा DIY क्लीनर। ये बहुत अच्छा है, बहुत इफ़ेक्टिव है और मैंने इसको डेफिनेटली यूज़ किया है और मैं इसको यूज़ करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी किचन क्लीनिंग। तो इसको मैंने पूरे प्लेटफॉर्म पे और अपने गैस पे स्प्रे किया है बॉटल की हेल्प से, और एक कपड़े से इसको वाइप कर लेंगे और कुछ ही मिनटों में देखिए एकदम शाइनी और खुशबूदार किचन हमें मिलेगा। अच्छा, मेरी गैस अभी एकदम स्टोव नया है ना, तो मैं केयर भी बहुत ज़्यादा करती हूँ। ऐसा होता है ना, कोई चीज़ हमारी नई आई होती है तो हम उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं और फिर वो धीरे धीरे जो है वो हमारे लिए पुरानी होने लगती है। तो एक अलग से मैंने टॉवल इसके लिए रखा हुआ है जिसमें बाद में मैं इसको एक सूखे टॉवल से अच्छे से पूरा पोंछ देती हूँ कि इसमें कहीं भी पानी वगैरह ना रह जाए। और क्लीनर की मदद से इसको साफ़ करना बहुत ईजी हो जाता है। और ये जो दीवार होती है गैस के पास वाली, ये सबसे ज़्यादा गंदी होती है। यहाँ पे जितना भी ऑयल होता है या कुकर से जितना भी विसिल से स्टीम वगैरह आती है तो वो सारा यहीं पे डिपॉजिट होती है। तो इसीलिए अगर आप पूरा नहीं करते हैं तो इसको तो साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। और एक लास्ट में चीज़ है सिंक क्लीनिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने मैंने प्रीवियस वीडियो में भी शेयर किया है। अगर आप इसको साफ़ नहीं करेंगे तो स्मेल आने लगती है और ब्लॉक हो सकता है आपका ये बेसिन। तो इसके लिए भी मैंने अलग से स्क्रबर रखे हुए हैं। तो जो भी पुराने आपके स्क्रबर हो जाते हैं बर्तन वाले, आप उनको क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं सिंक क्लीनिंग के लिए। और यहाँ पे मैं पानी गर्म कर रही हूँ, इस गर्म पानी को मैं अपने बर्तन वाले स्क्रबर में डाल दूंगी और थोड़ी देर इसको ऐसे ही छोड़ दूंगी। ये बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं, इनका पूरा चिकनापन, गंदगी, स्मेल सब निकल जाती है। और इसी बचे हुए गर्म पानी से मैं अपने टॉवल को भी, किचन के प्लेटफॉर्म को पोछने वाले टॉवल को भी साफ कर लूंगी।
एक्चुअली मैंने इसको कलीबुरा ब्रश लगा के अच्छे से धोया था, तो ये ज़्यादा गंदा नहीं है, इसलिए मैंने इसको गर्म पानी से और एक बार नॉर्मल वाटर से साफ कर लिया है। अदरवाइज इसको हर एक दो दिन में मुझे साबुन लगाकर ब्रश मार के थोड़ा सा धोना पड़ता है। तो देखिए विद इन 5 मिनट्स हमारी अच्छे से किचन की क्लीनिंग हो गई है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपकी मुक्ति मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।